एनजी के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एनजी के ऊपर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये वीकली एनालिसिस रहेगा, होल्डिंग बेस एनालिसिस रहेगा, आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी दिन से देखोगे तो आपको एनजी के अंदर गिरावट नज़र आ रही है। ये जो गिरावट देखने को मिल सकता है लगभग 240 के आसपास इसने हाई किया था और वहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 206 के आसपास आपको 204 से लेकर 206 तक आपको डाउन साइड आते हुए देखने को मिला था और अभी देखोगे तो डे हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे एनजी देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में एनजी के ऊपर क्या करके चलना चाहिए, सबसे पहले M6 मार्केट के ऊपर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, साथ में साथ यहाँ पे डॉलर्स के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे और साथ में साथ यहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री प्रोवाइड कर रहा था, कोई भी चार्जेस नहीं है। रही बात सेकंड चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके तो आप कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डॉलर में ट्रेड करने के लिए ऑक्टा एपेक्स का, ऑक्टा एपेक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप ओपन कर लीजिए अकाउंट और विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग करना है खुद तो आप डेमो ट्रेड भी कर सकते हो और आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कम से कम 50% डिपॉजिट पे बोनस मिलने वाला है, लेकिन आपका मिनिमम डिपॉजिट आपका $100 होना चाहिए। तो $100 के ऊपर आपको $50 एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो बिल्कुल देरी मत करिए, ऑक्टापिस के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। बात करूंगा आज लाइव मार्केट में 3% की ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही। सबसे पहले मैं बात करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। जिस तरीके से यहाँ पे अभी गिरावट देखने को मिला था, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अपसाइड का रेंज लगभग 240 के आसपास और डाउनसाइड का रेंज देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको ये बहुत बड़ा सपोर्ट निकल कर रहा है 170 के आसपास। तो 170 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल निकल कर रहा है 240 के आसपास। अभी बिल्कुल बीच में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको जब इस रेंज के अंदर 200 के रेंज में मिलता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है और सेलिंग भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो अभी आप सेल कहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, देखो जब तक ये 200 के लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक आपको सेल की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना है। आप अभी हाँ यहाँ पे एक गिरावट मिलती है तो एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो और आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल जब तक ये 200 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक आपको जो बाइंग की पोजीशन है वो एग्जिट भी नहीं करना है। बिल्कुल होल्ड कर सकते हो आने वाले दिनों में 240 तक, कम से कम आपका 4 से लेकर 6 मंथ का व्यू है। तो आने वाले दिनों में आपको एनजी यहाँ पे 260 तक भी टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। किस बेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस वाइज भी यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर देखोगे तो प्राइस वाइज भी करेक्शन हो गया और सेकंड चीज है यहाँ पे टाइम वाइज भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों चीज हो गया तो बिल्कुल आप यहाँ पे बाई की पोजिशन बना सकते हो। एक डीप आता है तो अगेन बाई कर लीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 200 विद द टारगेट ऑफ 240। क्या हम इस लेवल पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं क्या? देखो सेल की पोजीशन बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट लेवल है 200 का। जब तक ये 200 के लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक आपको सेल की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बाय के ऊपर बने रहिए और जो ऑलरेडी बाय के ऊपर बने हैं बिल्कुल ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिए विद द टारगेट ऑफ 260। 260 का टारगेट आपको आने वाले दिनों में कम से कम 4 से लेकर 5 महीने का व्यू ये टारगेट मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन पे देखोगे तो 225 तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। जो ऑलरेडी सेल पे बैठे हैं उनको बहुत अच्छा लॉस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक डिप आता है नीचे साइड में तो मेरे हिसाब से पोजीशन एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ट्रेंड रिवर्सल लग रहा है। ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर देखोगे तो कभी यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन पे अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे लो के ऊपर ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है लेकिन हाई को ब्रेकआउट जरूर करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करूंगा यहाँ पे अभी डॉलर इंडेक्स में, काफ़ी लोग यहाँ पे भी डॉलर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। डॉलर इंडेक्स में भी देखोगे तो आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, डे हाई पे जाके अभी ट्रेड हो रहा है। लगभग ये जो लेवल्स है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। इस लेवल्स के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आपको यहाँ पे सेल की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। 2.490 के नीचे जब तक सस्टेन करता नहीं है तब तक आपको सेल की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना है। अभी अगेन आप CMP रेट से बाई कर सकते हो, अगेन थोड़ा बहुत गिरावट आती तो अगेन बाय कर लीजिए। आने वाले दिनों में अपसाइड करें शॉर्ट ड्यूरेशन पे 2.80 और नेक्स्ट टारगेट आपको 3.0 तक भी टारगेट आपको एनजी के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान में रखना जो फ्रेश सेल करना चाहते हैं वो 2.49 के नीचे ही आपको सेल की पोजीशन बनाना चाहिए,
तब तक आपको सेल की पोजीशन प्रेफर नहीं करना चाहिए। और जो ऑलरेडी सेल पे बैठे हैं तो यहाँ पे 2.60 का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक डाउनसाइड आएगा और अगेन ब्रेकआउट देने के चांसेस है। लेकिन ध्यान में रखना, जो भी आप बाय की पोजीशन बनाते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आपको बाय के ऊपर बैठना है। तब तक आपको विदाउट स्टॉप लॉस से ट्रेड लेते हो एनजी के ऊपर, तो आपको एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना चाहते हो तो बल्क अमाउंट में आप ट्रेड लेते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड ले सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी मैंने एनजी के ऊपर बताने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम विजिट करो, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, और डेली बेस के ऊपर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस।